गुड मॉर्निंग। क्या टेस्ट करना है? मंथ की चेकअप करने। कैसे हो आप? ठीक है। आपके हाथ को क्या हुआ? क्या बताऊं मैडम, ये 2-3 बार महीने में गिरा हो और हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ है। 2-3 महीने में गिर गए? आपने कभी बोन का टेस्ट करवाया है? क्या होता है बोन का? अपने यहाँ पे बोन प्रोफाइल होता है जिसमें कैल्शियम, पीटीएच, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, विटामिन D3, B12, जो बोन से रिलेटेड जो कुछ भी टेस्ट रहता है वो सब इसके इसमें इंक्लूड रहता है और उससे आपको अपनी बोन की डेंसिटी मालूम पड़ती है। उससे आपको अगर रिपोर्ट आपके एबनॉर्मल्स वगैरह कुछ रहते हैं तो आप मेडिसिन से वो कवर अप कर सकते हैं जिससे कि आपको आगे जाके कुछ तकलीफ नहीं होगी। वो आपको डॉक्टर सजेस्ट करके फिर आपको टेस्ट करना। थैंक यू मैडम। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं सर, श्योर। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे? गुड मॉर्निंग मैडम, एक्चुअली मेरा हड्डियों का प्रॉब्लम है, बोन का प्रॉब्लम है, तो मुझे ना लैब वाली मैडम ने कुछ मेडिसिन के बारे में बोला है, तो इसके लिए मैं पूछने के लिए आया था। अच्छा सर। हाँ सर, आपको देख के लग भी रहा है कि आपकी बोन की हेल्थ कुछ अच्छी नहीं है। सर जैसे कि लैब की मैडम ने आपको सजेस्ट किया होगा कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए, तो आपको कर लीजिए। रिपोर्ट्स आप आपके नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखवा लीजिए। आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपका रिपोर्ट देख के आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जिसमें कुछ इंजेक्टेबल्स भी शायद हो सकते हैं। आपको जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा आप मेरे पास लेके आइए, मैं आपको डिटेल में सब समझा दूँगी। सर सर ऐसा है ना सर, जैसे कि अभी आपकी स्थिति देख के लग रहा है कि आपकी बोन डेंसिटी काफ़ी कम है, तो ये मेडिसिन में सर इंजेक्टेबल्स भी रहेंगे और कुछ टैबलेट्स भी रहेंगे जैसे आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे। सर इसमें इंजेक्शन्स में लैरिडॉल इंजेक्शन्स आता है जो आपको विद इन डायलिसिस लेना पड़ता है जिससे आपकी बोन की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। प्लस इसमें कुछ ओरल्स भी है सर, जैसे कैल्शियम आता है, प्लस विटामिन D3, मिनरल्स और कैल्सिट्रॉल कैप्सूल भी आता है। वो जो भी डोज रहेगा मैं आपको समझा दूँगी, कैसा लेना है, कितने दिन तक लेना है वो भी मैं आपको समझा दूँगी। ये सब आप पूरी तरह से फॉलो करेंगे ना सर, तो आपकी बोन की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी और आपको इन सभी जो तकलीफ है उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा सर। ओके, थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, थैंक यू सो मच, ये हमारी ड्यूटी है। ओके, मैं कल जाकर डॉक्टर से मिलता हूँ। ओके सर, ठीक है। आपने जो मेडिसिन दिया था उससे मेरे को मतलब अच्छा लग रहा है अभी, इसके लिए आपका धन्यवाद और मैडम जी का भी, लैब वाले का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं।